भारत में तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन। देश के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस आए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 110 के पार। WHO ने COVID-19 वैक्सीन कोवावैक्स को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी। कोवावैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नोवावैक्स वैक्सीन का ही वर्जन है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 7,145 नए केस, कोरोना से 289 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8,706 मरीज रिकवर हुए हैं। देश में 84,000 सक्रिय मामले हैं। चंडीगढ़ में 7 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश, कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला। 20 दिसंबर से 7 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज शाहजहांपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को फिर करेंगे प्रयागराज का दौरा। आज गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा है। पुणे में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। एनडीआरएफ के कर्मियों से बातचीत भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड में भी मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। हरिद्वार से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। आज यूपी की अमेठी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे राहुल गांधी और जगदीशपुर से हारी मऊ तक पदयात्रा निकालेंगे। अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर छापेमारी हुई है। सपा के 3 नेताओं के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और लखनऊ में जैनेन्द्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर पर छापेमारी। मऊ में राजीव राय के घर पर भी इनकम टैक्स का छापा। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब है। दिल्ली में AQI लेवल की बात करें तो 319 दर्ज किया गया है। दिल्ली में कोहरे ने लोगों को परेशान कर दिया। दिल्ली में आज से स्कूल खुले हैं। 6 से 12 कक्षा के लिए स्कूलों को खोला गया है। स्कूलों को कोरोना नियमों का खासतौर पर ख्याल रखना होगा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गजेंद्र शेखावत ने कहा कि मिलकर लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा में आज और कल होगी स्टेट की परीक्षा। इस बार परीक्षा के लिए आंखें भी स्कैन होंगी। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले तक मिलेगी एंट्री। आज किसान नेता गुंडाम चन्नूनी कर सकते हैं अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं ऐलान। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किसान नेता गुंडाम चन्नूनी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 50 लाख की हेराफेरी के आरोप में हवलदार गिरफ्तार। लाइनपार थाने में ड्यूटी ऑफिसर के पद पर तैनात था। 2 करोड़ की चोरी की रकम में से 50 लाख का गबन किया था। सोलन में प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट 2021 का आयोजन। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नोनी में हो रहा है आयोजन। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला करेंगे शिरकत। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और JP दलाल भी शिरकत करेंगे। हिमाचल की राजधानी शिमला में आज से सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत सम्मेलन की शुरुआत होगी। हिमालय क्षेत्र में काम करने वाले 50 से अधिक एक्सपर्ट सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय पेंशन दिवस के मौके पर हमीरपुर में पेंशनर्स कल्याण संघ की बैठक। पेंशनर्स कल्याण संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। पेंशनरों ने सरकार से GCC के गठन की मांग की है। RSS प्रमुख मोहन भागवत का हिमाचल दौरा। आज धर्मशाला में पूर्व सैनिकों से करेंगे मुलाकात। विजय दिवस को लेकर धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन। करीब दोपहर 3:30 होगा कार्यक्रम। कई जिलों के पूर्व सैनिक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंडी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई है। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने इसको लेकर जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में गिरते पारे के बीच बर्फीले खेलों की शुरुआत हुई है। आइस हॉकी प्रशिक्षण शिविर भी शुरू किया गया। राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी। कई इलाकों में घने कोहरे के चलते तापमान में भारी गिरावट। चूरू में तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस नापा गया।
गुजरात के सूरत में प्रवासी पक्षियों ने दस्तक दी है। ठंड बढ़ने के बाद प्रवासी पक्षियों का आगमन हो जाता है। कई तरह के प्रवासी पक्षी सूरत पहुंचे। कांग्रेस के उत्तराखंड के मिशन 2022 को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जानकारी दी। कहा, प्रदेश भर में भाजपा ढोल की पोल खोल के रूप में जनसभा हम करेंगे और 19 दिसंबर से पिथौरागढ़ के मूनाकोट से शुरुआत होगी। देहरादून में एटीएम बदलकर ठगी के चार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं चारों आरोपी।